हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूमन करी। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हमारा देसी स्टाइल ऑफ सैंडविच की रेसिपी, जो कि मेरा और मेरी मम्मी का फेवरेट है। तो चलिए देखते हैं झटपट इजी और सिंपल रेसिपी कैसे बनती है। यह है आलू टोस्ट सैंडविच की रेसिपी। 4 से 5 आलू टोस्ट सैंडविच बनाने के लिए आपको 4 बड़े आकार के उबले हुए आलू को हाथ से इस तरीके से फोड़ लेना है, या फिर आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। यहाँ बहुत ही सिंपल वेजिटेबल्स ली हैं मैंने, जिसमें प्याज है, हरी मिर्च है, हरी धनिया है और अदरक है। तो 1 प्याज के स्लाइसेस हैं, 2 हरी मिर्च है, या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। मुट्ठी भर फ्रेश धनिया पत्ते हैं, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसको मैंने बारीक चॉप करके ऐड किया। 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 टीस्पून के जितना काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून के जितना कुटी हुई लाल मिर्च, पिंच ऑफ गर्म मसाला, जस्ट चुटकी से आपको ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना। 1 टेबल स्पून के जितना धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून के जितना भुना जीरा पाउडर, 1 टीस्पून के जितना आपको अमचूर पाउडर ऐड करना है। तो मैंने अभी 1/2 टीस्पून ऐड किया, ये 1/2 टीस्पून और ऐड कर दिया। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा पसंद है तो मैंने इसलिए 1 टीस्पून ऐड किया। अगर आपको कम पसंद है तो आप 1/2 टीस्पून ऐड करें। नमक स्वादानुसार, और ये है सीक्रेट इन्ग्रीडियंट मेरी मम्मी का किसी भी आलू वाली चीज़ में, जैसे अगर पराठे बना रहे हैं या फिर सैंडविचेस बना रहे हैं, थोड़ा सा अचार का मसाला ऐड करके देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मिक्स कर दीजिए सारी चीज़ों को और फिलिंग रेडी है। अब जितने सैंडविचेस बनाने हैं उसके जस्ट डबल आपको ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं। जैसे मैं अगर 4 सैंडविच बना रही हूँ तो आपको 8 ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं। मैं आज इसको राउंड शेप दे रही हूँ, तो मैंने एक कटोरी की मदद से इस तरीके से कट कर लिया। आप ग्लास या फिर कुकी कटर की भी मदद से कट कर सकते हैं। साइड का हिस्सा कभी भी वेस्ट ना करें, उसके ब्रेड क्रम्स या फिर पुडिंग वगैरह भी बन सकती है, तो उसको कभी भी वेस्ट ना करें। अब इस तरीके से आपको ब्रेड के दोनों स्लाइसेस पे, यानी कि एक सैंडविच के हिसाब से मैं बता रही हूँ, दोनों स्लाइसेस पे थोड़ा बटर अप्लाई करना है। आप चाहे तो घी भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ी सी हरी धनिया चटनी, धनिया मिंट की चटनी है ये, और ये जो फिलिंग हमने बनाई थी ये बीच में प्लेस कर दें और इसके ऊपर दूसरी ब्रेड की स्लाइस रख दें। इसी तरीके से आपको बाकी के भी बना लेने हैं। और अब वापस से दोनों साइड आपको थोड़ा थोड़ा बटर अप्लाई करना है, ताकि जब हम सेकें तो एक प्यारा गोल्डन कलर दोनों साइड से आए। मैंने एक शेप देने के लिए ब्रेड स्लाइसेस को कट किया। जैसे आज मैं राउंड शेप के सैंडविचेस बना रही हूँ, तो मैंने इसको राउंड कर दिया। आप सिर्फ एजेस भी हटा सकते हो, स्क्वायर में बना सकते हो, या फिर बिना हटाए भी बना सकते हो पूरी की पूरी ब्रेड स्लाइस का, तो टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता। बस ये है कि ये वाले थोड़े से ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगते हैं। अगर घर पर गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो आप इस तरीके से बनाएं, नहीं तो आप पूरा का पूरा ब्रेड स्लाइस यूज़ कर सकते हैं। इसको आपको दोनों साइड सेकना है जब तक गोल्डन कलर ना आ जाए। अब इसको थोड़ा सा और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैं इसको एक बार केचप में इस तरीके से रोल कर दूंगी, और फिर उसके बाद जो नायलन सेव आती है या फिर भुजिया नमकीन आती है, आप इस तरीके से कोट कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ये आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आई होप आप सभी को आज की रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेस्टी लगी हो। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे से कोई और भी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, मैं उन पर डेफिनेटली फ्यूचर में वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन दिया हुआ है, यानी कि घंटी जैसा साइन, उसको याद से प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उनके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। और इसी के साथ दोस्तों, क्यूमन करी का फेसबुक और इंस्टा पेज भी फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फूड से रिलेटेड पोस्ट, पिक्स वगैरह डेली बेसिस पर शेयर करती रहती हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।